कौशल से एक ही बात कहूँगा यार, जहाँ भी हो आप घर आ जाओ, या घर नहीं भी आना है आपने, आप सिर्फ फ़ोन कॉल करके कहीं भी हो आप अपने माँ बाप को ये बता दो कि मैं ठीक हूँ, मैंने घर नहीं आना है, कम से कम दर बदर ना हो। लास्ट लोकेशन मिली ना उसकी, सुंदरबनी अंदर ही है माँ है ना, वो उसका रो रो कर बुरा हाल है। यही कहना चाहूँगा उसको फ़ोन कर दे, करते कहीं भी रहे फ़ोन करके बता दे कि मैं ठीक हूँ, 10-15 मिनट के बाद आया तो बच्चे का ध्यान रखना। इतनी बार बोली उसको घर वाली को, इसलिए कि 12 बजे फ़ोन करते रहे तो क्या तरह कि मैं इधर ही हूँ, रश बहुत है, ये है वो है, उसके बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया। अच्छा, मेरे साथ इस समय कुछ लोग हैं जो जिला रजौरी के सुंदरबनी इलाके के रहने वाले हैं, और इनका बेटा जो है वो पिछले कई दिनों से अपने घर से लापता है और आज उधमपुर में पहुंचे हैं बेटे को ढूंढते ढूंढते, और आज तक उस बेटे का जो कोई भी अता पता नहीं चल पाया है। सीधा पिता से बातचीत करेंगे, आपका क्या नाम है और मुझे बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हो, बेटे का क्या नाम है, कब से वो लापता है, थोड़ा बताएं। कौशल कुमार बेटे का नाम है और मेरा रतनलाल नाम है, तो मैं रहता हूँ ठंगर हाई स्कूल के पास। तो बेटा 1 महीना 3 दिन हो गया। अच्छा, तब से घूमे। कहाँ गया था लास्ट, क्या बात हुई थी, क्या काम करता था? बोला कि मैंने जाना है मंदिर, मंदिर जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। कौन सा मंदिर? ये अपना कांगड़ी मंदिर, कांगड़ी मंदिर था, माता का मंदिर है वहाँ, उधर गया था। उसके बाद उसके साथ लिंक हुआ 12 बजे तक, वाइफ भी साथ है, 12 बजे फ़ोन करते रहे तो क्या तरह कि मैं इधर ही हूँ, रश बहुत है, ये है वो है, उसके बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया। अच्छा, उसने शादी की थी, कितनी उम्र है उसकी? शादी इसने की है 3 साल होने जा रहे हैं। अच्छा, उम्र कितनी है उसकी? उसकी उम्र 28-30 के बीच में है। अच्छा, तो क्या जिस दिन घर से आया था कोई परेशान, कोई घर में लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा? ना कुछ नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। घर वाली को मैंने पूछा, मैं घर था, घर वाली को पूछा तेरे को कुछ बता के गया? बोला बच्चा छोटा उसका बच्चा है, तो वो बोला मैं 10-15 मिनट के बाद आया तो बच्चे का ध्यान रखना। इतनी बार बोली उसको घर वाली को, इसलिए निकल गया। आपने कंप्लेन करवाई है, मिसिंग कंप्लेन कराई है, आज आप उधमपुर में आए हैं ढूंढ रहे हैं क्या? जी हाँ, मिसिंग कंप्लेन कराई है, उसी दिन कराई थी मैं। अच्छा, ऐतवार को गया, वैसे तो सोमवार को मिसिंग कंप्लेन कराई सुंदर में। पुलिस से बात हुई कोई, उसका नंबर आपने दोबारा ट्राई करने की कोशिश की? नंबर किया ट्राई नहीं, सोचा आ रहा है नंबर, सोचा आ रहा है नंबर, जो भी है नंबर सोचा आ रहा है। पुलिस से कोई बात हुई कि कहाँ पर लास्ट लोकेशन कोई ट्रेस करी हो, लास्ट कहाँ पे फोन के अंदर ही लास्ट लोकेशन मिली ना उसकी, सुंदरबनी अंदर ही है लास्ट लोकेशन, जब मैं आपको बता रहा हूँ 12 बजे से पहले उससे बातचीत हुई, तब वो सुंदरबनी में ही था, उसके बाद फोन ही सोचा हुआ, फिर लोकेशन का कोई पता चला। क्या कहना चाहेंगे अगर आपकी वीडियो को वो देख रहा हो तो, क्या कहना चाहेंगे यार पिता किस तरीके से, किसी घर में परेशान है, वाइफ है, छोटा बच्चा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, माता पिता कितना परेशान? सभी माते, माता अंधी हो गई है, तो मेरे को अटैक हुआ था पहले का ही, तो इसको पता तो है। यही कहना चाहूँगा उसको फोन कर दे, करते कहीं भी रहे फोन करके बता दे कि मैं ठीक हूँ। क्या कोई वाइफ के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? ना कुछ नहीं, कुछ नहीं है, वो ऐसे ही बोलता था पहले भी कि वाइफ जो है ये इसको पता नहीं कुछ भी है, ये शादी है, शरीफ है, जानती कुछ नहीं है, पैसा पुसा गिनना नहीं आता इसको, तो यही कहता रहा, बाकी और कुछ नहीं। क्या काम क्या करता था? कहाँ, पंजाब में कहता था। पंजाब में? आपने वहाँ पर पता किया पंजाब में कि अगर? हाँ वहाँ किया पता, उधर तो नहीं गया, उधर भी नहीं गया ना। अच्छा, एक और भाई साहब, इनसे बात करेंगे। भैया आप बताएं, आप भी वहाँ के रहने वाले हैं, आप इनके साथ आज उधमपुर में आए हैं, क्या पूरी थोड़ी डिटेल बताना चाहेंगे कि कब, जो जिस तरीके से कह रहे हैं कि लगभग 1-1.5 महीने से मिसिंग है, उसके बाद किस तरीके का पुलिस से बात हुई या क्या? अंकु जी पूरी बात बताऊँगा मैं, सबसे पहले एड्रेस बता दूँ मैं, हम डिस्ट्रिक्ट रजौरी के सुंदरबनी के पास एक तहसील, नई तहसील बनी है, वो तहसील बैरीपतन, वहाँ का एक छोटा सा गाँव है बैरीपतन, वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ पर ही मैं बता दूँ कि कौशल नाम ये मेरा भाई है, कज़न ब्रदर है, ये पिछले 1 महीने से जो मिसिंग है, हमें जो परिवार वालों ने जो है वो आपने देख लिया कि ये पिता भी जो है इसके बुज़ुर्ग हैं, माताजी की अगर मैं बात सुनाऊँ वो भी जो है वो बिल्कुल शरीफ हैं और बीमार रहते हैं। 1 महीने से लगभग वो मिसिंग है, घर से ये कहकर गया था कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, कौशल नाम है उसका, और उसने जो है वो चला गया वहाँ से, उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, पुलिस में भी जो है कंप्लेन की, लेकिन वो अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चला है। हमने जैसे ही आपकी एक 2 दिन पहले जो आपने कवरेज की थी बताया था हमें थे कि एक डेड बॉडीज़ मिली है यहाँ पे, तो हम उसी को देखने यहाँ आए थे कि शायद
कोई हमारा भाई ना वही भाई ना हो, लेकिन ये वो नहीं था। हम यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचे थे उधमपुर, यहाँ पे नहीं वो देखा। लेकिन हम कौशल से, अगर मेरी खबर देख रहा है, मैं कौशल से एक ही बात कहूँगा यार, जहाँ भी हो आप घर आ जाओ। जब घर नहीं भी आना है आपने, आप सिर्फ फ़ोन कॉल करके कहीं भी हो, आप अपने माँ बाप को ये बता दो कि मैं ठीक हूँ, मैंने घर नहीं आना है। कम से कम दरबदर ना हो, आज भी दरबदर हो रहे हैं उधमपुर, आप रजौरी से लगा सकते हो साहब। यहाँ पर आए हैं, गरीब फैमिली है, छोटा बच्चा है घर पे, वाइफ है उसकी, कम से कम पता चल जाए कि वो जहाँ भी है सही सलामत है, ठीक है। नहीं आना है घर, ना आए वो बाद की बात है, लेकिन कम से कम परिवार को थोड़ा सा सहारा मिले। परिवार इसमें माँ जो है वो, कौशल को मैं बताना चाहूँगा, कौशल आपकी जो माँ है ना, वो उसका रो रो कर बुरा हाल है। तो ये हालात है पिता के, आपने के देख लो खुद, आप गरीब फैमिली से हो, आपने खुद, कौशल ने मेहनत की है, इतनी मेहनत करके उसने खुद थोड़ा सा घर स्टैंड किया, खुद जो वो भटक गया रास्ते से, कहाँ गया हमें नहीं पता है। क्या कोई नशा वशा तो नहीं करता था, कोई नशे के चक्कर में कि दोस्त यार के साथ कहीं चला गया? ऐसा कुछ नहीं है, नशा नुशा कुछ नहीं करता था, स्टैंड ही परिवार जो काफ़ी मतलब गरीबी स्तर पर था, तो उसने कौशल ने ही स्टैंड किया है। तो लगभग उम्र जो है अब उसकी 30 साल है, शादी की है उसकी, तो उसका छोटा बच्चा है 1 साल का। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कौशल कहाँ बैठा है। कौशल से मैं यही कहूँगा, कौशल कम से कम अपने माँ बाप से बात कर ले फ़ोन पे, खुद देख ले कि आज उधमपुर आए हैं, यहाँ हमें पता चला कि एक डेड बॉडी है जिसकी पहचान नहीं हो पा रही है, तो हमें थोड़ा डाउट हुआ, तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन वो नहीं था। तब तक रास्ते में हमें, आप सोच सकते हैं कि जब एक परिवार का बच्चा साथ में ना हो, तो वो उनको ये पता चले कि एक डेड बॉडी इसका एक फलानी जगह पे, जिस जगह पे भी आप मान लें कि वहाँ पर है, तो उस परिवार पे वो क्या बीत रही हो। घर पे हमने फ़ोन कॉल किए हैं, तब जाके उनको सहारा हुआ है। माँ ने अब जाकर, मुझे लग रहा है, पानी पिया होगा या खाना खाया होगा, हमने फ़ोन करके बोला है कि ये उसकी डेड बॉडी नहीं है। तो कौशल से यही कहूँगा, आप यहाँ भी हो भाई, अगर आप वो आपके माँ बाप आपको ठीक नहीं लगते, बीवी ठीक नहीं लगती, वाइफ आपकी ठीक नहीं लगती, बच्चा ठीक नहीं लगता, आप कम से कम फ़ोन करके ये बोल दो कि मैं जहाँ भी हूँ मैं ठीक हूँ, मैंने घर नहीं आना है, हमें ये पता चल जाए कि आप ठीक हो। बस मैं यही कहना चाहूँगा अंकुल जी। देखिए, हम कौशल की तस्वीर भी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि जिस तरीके से कज़न की अगर हम बात करें, तो कज़न द्वारा ये कहा जा रहा है कि 30 साल के आसपास कौशल की आयु है, और पिछले 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है, अपने घर से मंदिर के लिए निकलता है और उसके बाद आज तक घर वापस नहीं लौटा है। लेकिन कौशल का छोटा बच्चा है, वाइफ है, माता पिता की इस समय जो है बुरी हालत है, क्योंकि 4 दिन पहले हमने एक खबर जो है वो साझा की थी, यहाँ उधमपुर का जो तवी ब्रिज है वहाँ से एक अननोन बॉडी जो मिलती है, उसी के चलते ये लोग जहाँ पर पहुँचे उधमपुर में कि पहचान की जाए, आखिर क्या पता कौशल ही ना हो, लेकिन जहाँ पर आने के बाद जो है हमारे साथ इन्होंने संपर्क किया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि कौशल जिस भी इलाके में हो, जैसा भी हो, एक बार जो अपने माता पिता के साथ, अपने जितने भी कुलीग हैं उनके साथ एक बार बात करके अपनी परेशानी जो है ज़रूर साझा करें, ताकि जिस तरीके से इनका ये भी कहना है कि पुलिस के साथ मिसिंग कंप्लेंट तो इन्होंने करवाई है, पुलिस भी अपनी जगह पर ढूंढने का प्रयास कर रही है, लेकिन 1 महीने से अधिक का जो समय हो चुका है, लेकिन कौशल आज तक अपने परिवार के साथ ना ही फ़ोन लाइन पर संपर्क हुआ है, ना ही घर लौटा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द कौशल जो है अपने माता पिता के साथ साथ अपनी वाइफ अपने बच्चे के पास जल्द से जल्द जो है वो पहुंच पाए। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी हम जो है कैप्शन में आपके साथ साझा करेंगे। इस नंबर पर किसी भी तरीके की ये तस्वीर और जो कॉन्टैक्ट है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। अगर आपको ये शख्स कहीं भी दिखता है, तो इसकी जानकारी जो है दिए गए नंबर पर जरूर दें, ताकि इन्हें किसी भी तरीके की जानकारी जो है इस परिवार तक पहुंचे, और परिवार जिस तरीके से परेशान है वो परेशानी जो है कहीं ना कहीं कम हो।